Hi friends, welcome to Mudra Career Guidance Center once again in this new video for Canara Bank Recruitment 2018. लेकिन इस वीडियो की डिटेल पे आने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट. सो लेट्स कम टू द डिटेल्स. तो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है. इनफैक्ट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं, एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होने वाला है जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट, ये एक साल का डिप्लोमा रहेगा. 450 वैकेंसीज है कैनरा बैंक में. तो ये लगभग सिमिलर है जैसे सिंडिकेट बैंक का नोटिफिकेशन कुछ दिनों पहले आया था. एज लिमिट ऑलमोस्ट सेम है, 20 से 28 तक का एज लिमिट है यहाँ पर फॉर जनरल कैटेगरी. ओबीसी के लिए 31 तक, एससी एसटी के लिए 33 तक. एंड क्वाइट ऑब्वियसली वन मोर एज रिलैक्सेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप पीपल. नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 60% इन ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड. फॉर एस सी एस टी कैटेगरी इट्स 55%. एप्लीकेशन डिटेल्स देख लेते हैं. तो ये नॉर्मल बात है जो आई बी पी एस से सारे एग्जाम्स में होती है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन आपको. दिस इज ओनली थिंग यू नीड टू अपलोड वाइल फिलिंग अप द फॉर्म. बाकी तो डिटेल्स आपको खाली एंटर करने, अपलोड कुछ नहीं करना. एप्लीकेशन डिटेल्स देख लेते हैं. दिस इज अ वेबसाइट फॉर कैनरा बैंक. जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एप्लीकेशन लिंक हम इस वीडियो के नीचे शेयर कर रहे हैं. और एप्लीकेशन फीस जो है वो 708 है. नाउ ये 708 रुपये जो है ये एक्चुअली 600 रुपये इज एक्चुअल एप्लीकेशन कॉस्ट है. जीएसटी मिला के इन्होंने 708 कर दिया, तो जीएसटी का इम्पैक्ट यहाँ पर भी आ चुका है अभी एप्लीकेशन कॉस्ट में. एंड फॉर एस सी एस टी कैटेगरी इट्स 118. ओनली ऑनलाइन पेमेंट मोड इज अवेलेबल ओवर हियर. इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 जनवरी को. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 जनवरी. ऑनलाइन एग्जाम डेट जो है वो 4 मार्च है. सिलेक्शन प्रोसेस सेम है जो सिंडिकेट बैंक का था, हमने जो उस वीडियो में डिस्कस किया था ऑलमोस्ट सेम है. 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देर इज 1/4 और 0.25 नेगेटिव मार्किंग इन दिस. ये फेज़ वन है. इफ़ यू क्लियर दिस राउंड तो आपका नेक्स्ट राउंड में छोटा सा चेंज है. आपके पास यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का राउंड रहेगा. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है जो सिंडिकेट बैंक के सिलेक्शन प्रोसेस में था. नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट होगा वो प्रिपेयर होगा प्रीवियस राउंड के हिसाब से एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन. तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी है ये 40% होना ज़रूरी है इन बोथ GD एंड PI. जो वेटेज है फाइनल सिलेक्शन का, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा उसका वेटेज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ. जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका 50% वेटेज है, 20% वेटेज रहेगा ग्रुप डिस्कशन के लिए और इंटरव्यू का वेटेज है 30%. सो इस तरीके से आउट ऑफ 100 आपका एक मार्कशीट या स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट बनेगा. प्रोग्राम की डिटेल्स बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉस्ट का जहाँ पर सवाल आ रहा है. तो ये एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बैंकिंग एंड फिनांस का. तो कैनरा बैंक का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है ये 2 अलग अलग कैंपस पे होने वाला है और 2 अलग इंस्टीट्यूट वो कंडक्ट करने वाले हैं. तो एक है बेंगलुरु कैंपस का जो मणिपाल जो इंस्टीट्यूट है वो ये कोर्स कंडक्ट करने वाला है. तो अलॉन्ग विद द GST ये फाइनल कॉस्ट जो है, फीस जो है वो 4,13,000 का है. तो ओरिजिनल इट्स 3,50,000 समथिंग बट विद टैक्स ये 4,13 तक जा रहा है. दूसरा है मैंगलुरु कैंपस. तो यहाँ पर भी सेम कोर्स कंडक्ट होने वाला है तो उसका फीस लेकिन थोड़ा कम है, 3,54,000 है. बट अगेन ये जो चॉइस है ये शायद आपके पास नहीं रहेगा, ये एज एन जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा एंड रैंडमली अलॉटमेंट होने वाला है. सो ये कोर्सेज तो सेम रहने वाले दोनों जगह. शायद से जो कॉस्ट है रहने का और बाकी सारी बातें की वजह से शायद बेंगलुरु एक बड़ा सिटी है तो वहाँ पर कॉस्ट उन्होंने ज़्यादा रखा है. और मैंगलुरु में जो कोर्स कंडक्ट करने वाला है NITTE करके एक इंस्टीट्यूट है, वो ये कोर्स कंडक्ट करने वाली. ये सारे डिटेल्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हो. नाउ ये जो कोर्स होता है इसमें पहले 9 महीने प्योर ट्रेनिंग होता है, लास्ट के 3 महीने जो रहेंगे वो इंटर्नशिप रहेगा. और इंटर्नशिप का आपको जो भी है उनका एक स्टाइपेंड होता है वो आपको मिलने वाला है. तो मेरे ख्याल से वो स्टाइपेंड उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया है, बट आज के डेट में ये स्टाइपेंड आराम से 10 से 15,000 के आसपास तो पक्का रहेगा जो ये लास्ट के 3 महीने में मिलने वाला है ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप. दैट्स यू कैन कॉल इट एज अ सैलरी.
जो अभी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो बहुत डिटेल में वहाँ पर नोटिफिकेशन में दी है, मैं इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये 5 साल का रहेगा एग्रीमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 5 साल काउंट होने वाले, तो कोर्स का 1 साल इसमें काउंट नहीं होने वाला। नाउ ये एग्रीमेंट क्या होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप ये 5 साल कंप्लीट होने से पहले अगर आप कैनरा बैंक छोड़ने वाले हो या छोड़ रहे हो, तो आपको पेनल्टी पे करना होगा लगभग 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट, अगर आपने कैनरा बैंक से ही एजुकेशनल लोन लिया है तो उसके भी ड्यूज क्लियर किए होने ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते थे 5 साल कंप्लीट होने के बाद, लॉयल्टी बोनस वगैरह, वो सब तो बाय डिफॉल्ट फिर आपको नहीं मिलने वाला। प्रोबेशन पीरियड ये 2 साल का रहता है, तो दिस इज़ अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये क्या होता है, लाइक ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ये आपको जो परमानेंट एम्प्लॉय के जो सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, वो शुरुआत में नहीं मिलते। सो आफ्टर 2 ईयर्स जो भी परमानेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, लाइक जो भी होम लोन या कार लोन और ये जो बहुत कुछ सस्ते में मिलता है, ये बेनिफिट्स आपको 2 साल के बाद मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट द अदर थिंग्स, इंसेंटिव्स। ये इंसेंटिव्स आपको मिलने वाले ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो इंटर्नशिप में लास्ट के 3 महीने में कुछ आपको सैलरी मिलेगा, और पहले 9 महीने में भी आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, मेरे ख्याल से वो 3-4 हज़ार के आसपास पर मंथ रहेगा। नेक्स्ट लॉयल्टी बोनस। ना लॉयल्टी बोनस के लिए आप एलिजिबल रहोगे जब अगर आप कैनरा बैंक के साथ 5 साल कंटिन्यूस उनका सर्विस कर रहे हो। तो ये 5 साल कंप्लीट होने के बाद लॉयल्टी बोनस आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 6th ईयर से 10th ईयर तक आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा हर साल, लाइक एन इंस्टॉलमेंट। जैसे सिंडिकेट बैंक ने लेकिन नंबर डिस्क्लोज किया था कि वो बोनस हर साल 1 लाख रुपया मिलने वाला है, यहाँ पर उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं किया, बट आई बिलीव ये उसी के आसपास रहेगा। और इस 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये हर साल वो फिक्स अमाउंट आपको मिलने वाला है। सो दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इफ़ यू कंटिन्यू योर जॉब फॉर मोर देन 5 ईयर्स विथ कैनरा बैंक। सो फॉर स्टडी प्लान एंड सिलेबस आई विल रिकमेंड यू, हमने जो IBPS PO के कुछ वीडियोज रिसेंटली अपलोड किए थे ड्यूरिंग एग्जाम, आप वो गो थ्रू कर लेना। आई एम शेयरिंग दोज लिंक्स ऑल्सो हियर बिलो द वीडियो, बिकॉज द सिलेबस एंड एग्जाम स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज सेम। इफ यू आर लुकिंग फॉर टू सम स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट फॉर दिस, अगेन दैट इज ऑल्सो डिस्कस इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स। आई होप ये वीडियो का जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। बेस्ट लक फॉर द एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए बाय बाय।